हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे एक और टीचर वैकेंसी के बारे में जिसका नोटिफिकेशन आ रहा है मिजोरम यूनिवर्सिटी मिजोरम की तरफ से। दोस्तों, हम जानेंगे इसमें कैसे आपको अप्लाई करना है, कब लास्ट डेट है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं, कितना स्टिपेंड मिलने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो इन सारे क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। तो चलते हैं दोस्तों इसकी ऑफिशियल साइट पर और बात करते हैं डिटेल्स में। इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो और चलते हैं दोस्तों इसकी ऑफिशियल साइट पे। तो दोस्तों, मैंने इसकी ऑफिशियल साइट पहले से ओपन कर रखी है। अगर आपको इसका लिंक नहीं पता है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके इसे ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे एक नोटिस मेंशन हो रही है, ये यहाँ पर दोस्तों अप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द गेस्ट फैकल्टी। तो यहाँ पे दोस्तों जो आवेदन पत्र मांगे गए हैं गेस्ट फैकल्टी के लिए, आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो चलते हैं दोस्तों इसे देखते हैं, इसे ओपन करते हैं, इसमें क्या बताया गया है। तो इस पे दोस्तों क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, इसे मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया है, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी आर एडवर्टीजमेंट नंबर 1 ऑफ 2021। ये दोस्तों जो आपकी नोटिस पब्लिश हुई थी वो दोस्तों 6 अगस्त 2021 को पब्लिश हुई थी। और यहाँ पे दोस्तों गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे आपको 1500 पर लेक्चर आपको यहाँ पे पेमेंट मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे जो मैक्सिमम आपको मिलेगा वो 50,000 पर मंथ पे मिलेगा। और ये जो यहाँ पर लेक्चर आपको दोस्तों जो मिलेगा वो 1500 पर लेक्चर मिलेगा और मैक्सिमम जो मिलेगा वो 50,000 मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट दी गई है कि अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे विजिट करके ज़्यादा जानकारी एकत्र कर सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है टर्म, कुछ यहाँ पे थर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं। तो उन्हें हम देखेंगे यहाँ पर क्या थर्म्स एंड कंडीशन है। तो यहाँ पर बताया गया कि अगर जो फॉर्म है उसे आप भरने से पहले आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके आप जो चीज़ें हैं वो अच्छे से क्लियर कर लीजिए और यहाँ से आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर लीजिए। ये एक पॉइंट यहाँ पर बताया गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स है उसे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए। जो UGC के रेगुलेशंस हैं गेस्ट फैकल्टी के लिए, जो टीचर्स की गेस्ट फैकल्टी के लिए जो आवेदन की क्वालिफिकेशंस हैं वो आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, वरना आपका फॉर्म जो है दोस्तों रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर नंबर थ्री पॉइंट जो बताया गया है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो उसी, मतलब आपके जो आप जिस डिपार्टमेंट के लिए या जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे संबंधित आपके पास डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स होनी चाहिए, उनको आपको वहाँ पे भेजना है, मतलब आपको यूनिवर्सिटी को भेजना है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 बताया गया कि जो अगर आपने लास्ट डेट तक फॉर्म को कम्प्लीट नहीं किया है और अगर इनकम्प्लीट फॉर्म आपने भेज दिया है तो आपका दोस्तों जो फॉर्म है वो डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, नंबर 5 की बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशंस की बात फिर की गई है कि जो आपकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए वो UGC या AICTE या NCTE या COR या फिर RCI के अनुसार आपकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। फिर यहाँ पे बताया गया कि दोस्तों, अगर आप कोई फेक डॉक्यूमेंट्स या कोई मतलब गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपको वहाँ पर कभी भी आपको सिलेक्शन होने के बाद भी अगर आप कोई फेक जानकारी देते हैं, फेक क्वालिफिकेशंस लगाते हैं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है नंबर 7 का पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो नंबर दोस्तों जो 7 पॉइंट है, यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास रिक्वायर्ड जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर मतलब एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया नहीं, यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया कि जो एक्सपीरियंस है आपका वो आप आवेदन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट तक आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट कर लिया जाएगा। यहाँ पर ये नंबर 7 पे पॉइंट पर बात की गई है। इसके अलावा दोस्तों, नंबर 8 की बात की है कि आपके पास नेट होना चाहिए या फिर आपके पास जो स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो आपके पास होना चाहिए या फिर आपने नेट क्वालिफाई किया हो। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी आपके पास नेट होना ही चाहिए या फिर आपके पास स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने क्वालिफाई किया हो। और इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे जो हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं क्वालिफिकेशंस के वो 2018 के अनुसार आपके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया गया है तो आप देख लीजिएगा। यहां PhD के बारे में भी बताया गया है, तो अगर आपके पास PhD है तो आप देख सकते हैं इसे और इसे आप रीड कर लीजिएगा पॉज करके। इसके अलावा दोस्तों, यहां पर बताया गया कि फॉरेन यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनके पास एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का सर्टिफिकेट
होना चाहिए तभी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर फॉर्म आप इनकम्प्लीट करते हैं या कुछ भी अगर कम्प्लीट नहीं होता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों बात की गई है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, तो जितने भी आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं वो सही होने चाहिए, फेक नहीं होने चाहिए और वो आपके जो लास्ट डेट तक है वहाँ तक काउंट कर लिया जाएगा। यहाँ पे पेमेंट के लिए फिर बात की गई है कि दोस्तों अगर आपको जो मिनिमम पेमेंट है वो 25,000 पर मंथ से, मतलब मिनिमम आपका जो पेमेंट है वो 25,000 से कम नहीं होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं मिनिमम पेमेंट जो है आपका 25,000 से कम नहीं होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बताया गया है कि जो आपको जो फॉर्म भरना है वो इसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे दिया गया है, तो आप वहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों वो कहाँ पे दिया गया है, तो इसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लीकेशन फॉर्म आप मतलब इसे डाउनलोड करके आप अप्लीकेशन एनेक्सर फर्स्ट के माध्यम से आप इस फॉर्म को भर के आपको स्कैन करके आपको ईमेल के माध्यम से यहाँ पर भेजना है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों जो इसकी लास्ट डेट है वो 15 अगस्त 2021 है, तो 15 अगस्त से पहले आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है दोस्तों कि आपको जो फॉर्म भरना है वो ईमेल के माध्यम से, आपको जो फॉर्म है ईमेल के माध्यम से आपको भेजना है और यहाँ पे जो आपको ईमेल दी गई है वहाँ अभी हम नीचे देखेंगे तो दोस्तों डिपार्टमेंट के अनुसार वहाँ पे ईमेल दी गई है, आप जिस पोस्ट के लिए आप जिस डिपार्टमेंट अप्लाई करेंगे वहाँ पे ईमेल मेंशन की गई है, आप वहाँ पे जाके उस ईमेल पे आप अपना फॉर्म भेज सकते हैं स्कैन करके, आपको मतलब पीडीएफ के माध्यम से स्कैन करके और पीडीएफ कॉपी बना के आपको वहाँ पे भेजना है। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो आपकी डिपार्टमेंट्स हैं और आपको आपकी जो ईमेल्स आपको जहाँ पे भेजना है, तो यहाँ पे इंग्लिश डिपार्टमेंट है जिसमें जो पोस्ट है वो एक सिर्फ है और आपको इस ईमेल पे आपको फॉर्म भेजना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, इसके अलावा साइकोलॉजी है, यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजी है, सोशल वर्क है, जूलॉजी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, फूड टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट है। और इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे ईमेल दी गई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पोस्ट है नंबर ऑफ जो पोस्ट खाली हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो आप इन्हें देख लीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों आप जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर ईमेल दी गई है, आप अपनी आईडी अपनी जो जितने भी आपके क्वालिफिकेशंस हैं उनको स्कैन करके और पीडीएफ के माध्यम से आप इन्हें भेज सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसके अलावा फूड टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, आर्किटेक्चर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है और यहाँ पे बीटेक कॉमन कोर्स भी हैं, मैथमेटिक्स फिजिक्स और इंग्लिश के लिए यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो दोस्तों अगर आप इसमें से किसी भी आपके आपको जिस भी डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं या जिस भी क्वालिफिकेशन से आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप उस डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एज ए गेस्ट फैकल्टी के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशंस की गेस्ट फैकल्टी के लिए बात की गई है, तो यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे यहाँ पे पूरा मेंशन कर दिया गया है कि आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री में आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए, एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी आपके पास नेट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशंस आप देख सकते हैं दोस्तों और आप अपने अनुसार देख लीजिएगा आप किस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी क्वालिफिकेशंस दी गई हैं, आप इसका पीडीएफ मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और आप जिस भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उस डिपार्टमेंट की क्वालिफिकेशंस को आप देख सकते हैं और वो जो यहाँ पे ईमेल दी गई है उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो आपको एनेक्सन फर्स्ट का फॉर्म दिया गया है आप इसके अनुसार आप अपनी मतलब आप इस फॉर्म को भर के आपको स्कैन करके भेजना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये एनेक्सन फर्स्ट का फॉर्म है, यहाँ पर आपके जितनी चीज़ें हैं वो मेंशन की गई हैं। इसके अलावा दूसरा दोस्तों यहाँ पे लिंक और दिया गया है, वहाँ पे आप जाके मतलब इसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप ऑफिशियल साइट पे जाके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब यहाँ पे दिया है। आपको जानकारी पसंद आई होगी, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे कि ऐसी ही वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे दोस्तों अपनी एक नेक्स्ट जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।